दोस्तों एक तरफ तो नारा दिया जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ गलत मानसिकता वाले लोग, गलत सोच रखने वाले लोग लड़कियों के साथ में दरिंदगी वाली हरकतें करते फिरते हैं खुलेआम, बिल्कुल खुले सांड की तरह, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे मामले के बारे में मथुरा में जो घटा है अभी हाल ही में, ताज़ा ताज़ा मामला है ये। मथुरा में एक लड़की जा रही होती है अपने गांव से, तो वहाँ पर गुर्जर समाज का एक लड़का उसके साथ में छेड़खानी करता है। अब वो लड़की तो अपने काम से जा रही होती है, मतलब ये है कि एक तरफ तो हुक्मरान देश में बड़े बड़े मंच पर जाकर भाषण देते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, विश्वगुरु बनाएंगे देश को। अरे ऐसे विश्वगुरु बनेगा? बेटियों को तो छोड़ा तक नहीं जा रहा है, विश्वगुरु बनाने की तुम बात करते हो हिंदुस्तान को। तो बात कर रहा हूँ उस लड़की के बारे में। वो लड़की जब जा रही होती है तो उसके साथ में एक मनचला उसके पास आकर रुकता है, पहले उसके साथ गलत तरीके से गंदी हरकत वाली बातें करता है। उसके बाद जब वो लड़की उसको जवाब दे देती है कि मैं थोड़ा इस बारे में थोड़ा कड़क हो जाती है इस मामले के ऊपर, लेकिन वो लड़का फिर भी उसका पीछा करता है और उसके बाद में उसके साथ गलत हरकत करता है और उसके कपड़े फाड़ देता है। किसी तरह वो लड़की वहाँ से जान बचाकर भागती है, उस गलत शख्स की गलत निगाह से बचने के लिए वहाँ से भाग जाती है, निकल जाती है। उसके बाद जब वो घर जाती है इस बारे में बात करती है, अपने घर वालों को बताती है, तो घर वाले इसके ऊपर कार्रवाई की मांग करते हैं, लेकिन कार्रवाई मांग करने के बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। ठीक है दोस्तों, अब देश में अगर बेटियों को बचाना है तो सबसे पहले तो ऐसी भेड़ियों को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, अगर एक को सज़ा ना मिले ना तो 10 पीछे खड़े हो जाते हैं, उन्हें पता है, क्योंकि जब एक को सज़ा नहीं मिली तो 10 को सज़ा क्या मिल सकती है। सरकार इनकी चल रही है, मन मर्जी के कानून लागू कर रहे हैं, जब मर्जी जो मर्जी कानून ठोप दिया, झेलेगा कौन? आम पब्लिक, आप लोग, हम लोग। जो कहने वाला बनेगा इनके खिलाफ उसको आतंकवादी कह के तो गोली मरवा देते हैं या उसको एनकाउंटर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा देखिए मनमर्जी की सरकार में यही चीज़ चल रही है। दलित समाज की कोई भी लड़की हो, इतने मामले घटते हैं, अगर उनके खिलाफ़ आवाज़ उठ जाती है तो उसमें सज़ा मिल जाती है। कुछ लड़कियां बेचारी अपने परिवार की, अपनी इज्जत के लिए अपने इन मामलों को सामने नहीं ला पाती हैं, वो बेचारी शर्म के मारे घुट घुट कर जीती हैं। लेकिन जो लड़की आवाज़ उठाना चाहती है उसको या तो मरवा दिया जाता है या फिर उसको अगवाई कर दिया जाता है। मनीषा वाल्मीकि का केस आपको सबको ही पता होगा, हाथरस में जो हुआ था, उस लड़की को, उसकी लड़की के साथ भी पहले दरिंदगी हुई, फिर उसके साथ में मारपीट हुई, उसके साथ उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसकी जीभ काटी गई ताकि उस बयान ना दे सके। 14-15 दिन तक हॉस्पिटल में रही, उसके बाद वो मर जाती है। मरने के बाद भी उसके परिजनों को उसका शव नहीं दिखाया जाता, ना उनको उसका शव दिया जाता है कि तुम्हारी बेटी है। अंतिम दर्शन तक भी उस लड़की के उसके परिवार को नहीं करने दिए जाते। क्यों भाई, ऐसा क्यों? मनमर्जी की सरकार चल रही है तो ये थोड़ी है कि तुम लोग जब मर्जी किसी दलित समाज की लड़की के साथ दरिंदगी करो और जब मर्जी उसको रात को जला दो। ये कैसा कानून है, ये कैसी व्यवस्था है? ये तो एक तरह से देखा जाए तो मनमर्जी ही चल रही है। दलित समाज की लड़कियां बाजार में अकेले नहीं जा सकती, स्कूल में अकेले नहीं जा सकती, खेत वगैरह में अकेले नहीं जा सकती। तो एक तरह से तो देखा जाए तो दलित समाज के लोगों को आज भी दबाकर ही रखा जा रहा है। इसके खिलाफ मोर्चा अगर हम लोग नहीं निकालेंगे, दलित समाज के लोगों को इसके लिए इकट्ठा होकर एकजुट होकर चलना पड़ेगा। हमारा समाज बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, इसके लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। बीमारी में का साथ दो, आज़ाद समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है भाई, सबसे पहली बात है कि अपने समाज को अगर संगठित करना है तो अपने समाज के लोगों को एक साथ रखो, क्योंकि अगर हम लोग एक नहीं रहेंगे तो बिखरे रहेंगे तो तोड़ दिए जाएंगे। ये मुट्ठी, ये हाथ है, इसको मुट्ठी बना दिया तो एकजुट है, ऐसे कर दिया तो फैली हुई है। उंगली को कोई भी तोड़ सकता है, मुट्ठी को तोड़ने के लिए ताकत चाहिए जो हर किसी के अंदर नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो मैं बहुजन समाज से यही गुहार करता हूँ और सरकार से भी कि उस आरोपी को जिसने उस लड़की के साथ में छेड़खानी की, गलत निकाह से उसको देखा, गलत हरकत करने की उसके साथ में कोशिश की, उसको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करो और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। फिर बात वही आती है, अगर हम लोग आंदोलन करते हैं तो हमारे खिलाफ ST समाज और बहुजन समाज पार्टी या भीम आर्मी के जो सपोर्टर होते हैं, समर्थक होते हैं, अगर वो इस मामले में आंदोलन करने जाएंगे, फिर आप लोग उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो कि आप तो दंगा भड़काते हो। दंगा भड़काने वाले तो कोई काम नहीं होते, सिर्फ
सजा, और एक तरह से देखा जाए तो सजा का प्रावधान मांगते हैं कि उस इंसान को सजा दी जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। गुंडागर्दी का तो थप्पा सिर्फ वो लोग लगाते हैं जिनको कोई काम नहीं होता। अगर इंसाफ के लिए गुंडागर्दी करनी पड़े तो करनी पड़ती है, अगर इंसाफ ना मिले, लेकिन मिल जाएगा तो कोई गुंडागर्दी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मथुरा में घटे उस मामले में उस लड़की के साथ इंसाफ हो, उसको इंसाफ मिले, उसके परिवार को इंसाफ मिले। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय भीम आर्मी।